अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबके? और जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में रहें। और ये जी तकरीबन रात को, हाँ, मगरब का टाइम था जब मुझे ये सब आया मेरे कज़िन की तरफ से। थैंक यू सना आसम। बहुत मज़े की चीज़ें थी, शवरमास था, चाम थी और साथ सैलड थी। बहुत मज़े का था, स्पेशली मुझे सैलड का तो बहुत मज़ा आया। और हस्बैंड तो चाम चौंसी ना, उनके ये आई थिंक मटन या बीफ की थी तो मैंने खानी नहीं थी, तो बहुत उनको पसंद आई थी। शवरमा भी बहुत मज़े के थे। तो जी जजाक अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और उससे मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, और जब ऐसे कुछ आ जाए आपके घर में तो वाकई बहुत खुशी होती है। और अभी ये नेक्स्ट डे है और मैं अभी जा रही हूँ मम्मी की तरफ। आज एक्चुअली मैं आना था हाला ने, वो ये संडे का दिन है तो मैं काफ़ी लेट हो गई थी आने में। तो ये लोग अम्मी की, बल्कि मुझे कॉल भी आई है कि लंच में वेट कर रहे हैं, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि आप लोग लंच करें क्योंकि मुझे लेट हो जाएगा। तो बस मैं आई हूँ, तो मैंने कहा मैं अब खुद ही, तो मैंने मना किया, प्लीज़ भी मेरे लिए बिल्कुल टेबल नहीं लगाया, मैंने करेले ही खाने हैं, साथ पुलाव था लंच में और अम्मी ने मीठा कद्दू भी बनाया हुआ था। अच्छा, उसकी वीडियो वगैरह बनाना मैं बिल्कुल भूल गई हूँ। तो ये जी निमा नाराज़ हुई भी है, और नाराज़ होकर ना अपने वो बंक बैठ के ना इधर छुप जाती है। हालाँ पहले आई थी और साथ उनके जो पोता पोती हैं नाल के साथ, उसकी बहुत फ्रेंडशिप है निमा के साथ भी। तो बस बच्चे ही रूम में खेल रहे हैं, और जहाँ पे बच्चे हों तो फिर आपको पता है वहाँ पे ऐसे ही होता है, टॉयज़ वगैरह सारे बिखरे हुए थे। और फिर रात को भी जाने के टाइम उन्होंने सब रूम को क्लीन किया, जब जो जो चीज़ें जहाँ पे थी और वहीं पे उन्होंने की। और बच्चे नहीं करेंगे ऐसे रखते, तो हम लोग तो बड़े करते, अच्छे भी नहीं लगते। तो मैं कुछ ज़्यादा वगैरह तो वीडियो नहीं कर सकी थी, और बस ये देखें बच्चों की कैसी छोटी छोटी हरकतें, कितनी प्यारी लगती है ना। और ये इधर छुपके भी है, और अभी और ये देखें भाई, नीमा ना नाराज़ होके, जब नाराज़ होती है ना तो नीमा हमारी यहाँ पे छुप जाती है। निमा आ जाओ बाहर, मेरा बेटा लीजिए जा, आ जाएगा सोना, गर्मी नहीं लग रही? पुप्पो से मिलने आ जाओ, हाँ पुप्पो से मिलने आ जाओ, आ जाओ बाहर। मम्मी तो चाय के साथ इधर काफी कुछ, क्या बात है, क्यों ना आ जाओगी हो? सब कुछ इसलिए आप ही की जो है ना, काम खराब किया था कि चाय के साथ, और कुछ इतना दिल नहीं था हो रहा। तो ये जी क्लब सैंडविचेस हैं, और मम्मी की ये प्लेटर मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे ऐसा मिल नहीं रहा कहीं से वैसे, कहीं किसी ने ऑनलाइन देखा हो तो मुझे प्लीज़ ज़रूर बताएं। तो साथ लोबे चना चाट थी, पेस्ट्रीज थी, केक, समोसे, पकड़ समोसा, स्टीम चिकन था, पास्ता, शवरमास और पैटिस थे, और पिज्ज़ा। हाँ, और स्वीट डिश में निदा बनाई हुई थी मैंगो डिलाइट, बहुत मज़े की। मैंने ऑनेस्टली ये ज़्यादा खाई थी, दो दफ़ा खाई थी, दो ये बहुत फैटनेस है इसमें, लेकिन कभी कभी खाने में कुछ भी नहीं है, तो बहुत मज़ा आया था। अभी बस सब चाय पी रहे हैं, लेकिन मैंने चाय वगैरह नहीं थी पी, मैंने सिर्फ स्वीट डिश खा ली थी। तो उसके बाद फिर बिल्कुल दिल नहीं थक गया। अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह से बस काम काम काम। तो आज मैंने सारी फ्रिज की क्लीनिंग की है रमज़ान के बाद से ना, अभी बस मैं रोल और पॉकेट समोसा वगैरह बनाने लगी हूँ। तो सारी फ्रिज, शुक्र है फ्रिज भी साफ़ हो जाए, डिस्पेंसर की है अभी बॉटल लगानी है। गला बहुत ख़राब हुआ है, बहुत ज़्यादा बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा सा ठंडा पानी की परहेज़ नहीं कर रही ना उस वजह से। तो इमली भी गो के रखी है, और बस अभी मैं ना नमाज़ पढ़ने लगी हूँ। तो अभी मैं दिखाती हूँ कि मैं इम्तियाज़ से क्या लेकर आई। अभी देखिए लिविंग, बस सफाई वगैरह सब कुछ हो गई हुई है, हस्बैंड घर पे हैं, तो अभी वो बैठे हुए थे, तो 2:15 हो रहे हैं, मैं हमें तक नमाज़ पढ़ लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हाथ से क्या ले। चलो दिखा देती हूँ, 5 मिनट के काम है। चाहिए तो सबसे पहले जी थोड़ा सा नीम को मैं लेकर आई थी, एक पैकेट तो खा लिया गया है, और बहुत मज़े का नीमको है। अच्छा नीमको ना अलफत्ता का भी बहुत अच्छा है। थोड़ा सा आज ना ज़्यादा ही हो रहा है क्योंकि मैंने ना ठंडा पानी पिया कल अम्मी के घर में, थोड़ी सी मैंने मैंगो टैंक पी लिया। अब मेरी अपनी गलती है ना कि जब आपको पता तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत एक तो रिजनेबल प्राइस है इसकी, आई थिंक 700 समथिंग,
के भी दिखाती हूँ। एक ही मैंने लिया था, ये बहुत खूबसूरत मुझे लगा है। ये मैंने वॉशरूम के लिए, मनी प्लांट्स के लिए ना लिया है, और बड़े साइज में भी थे, मुझे थोड़ा सी यही साइज चाहिए था, तो बहुत खूबसूरत है। अच्छा, डाइनिंग पे मैंने कपड़ा इसलिए डाला हुआ है क्योंकि मेरे साथ कंस्ट्रक्शन जो हो रही है ना, उस वजह से बहुत डस्ट आ जाती है। फिर मिरर है, ग्लास है, तो ऐसे कुछ जब तक आपका ये काम साथ है, सामने आमने जब हो रहा है ना, तब तक ये हाल रहना है। अच्छा, ये बाउल मुझे बहुत अरसे से, अच्छा एक तो ये चाहिए था मुझे, वो मुझे मिल गया। अच्छा, इम्तियाज में ये मज़ा है कि इसे देखें ना, अब सम टाइम तो हर वक्त आपको बहुत लग्जरी या लैविश किस्म की क्रॉकरी की ज़रूरत नहीं होती, घर की आम ज़रूरत के लिए भी आपको चाहिए होती है, तो वो आपको इम्तियाज से ना मिल जाती है। अलफतह में मोस्टली जो होती है ना, वो लैविश है, तो समटाइम आप नहीं ले पाते, समटाइम नहीं अफोर्डेबल होती हैं। वैसे मुझे उनकी भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मेरे रूटीन में यूज़ करने वाली नहीं है। तो जैसे जैसे बाउल है आम, जैसे चाट वगैरह बनाने के लिए, तो मुझे ये स्टाइल अच्छा लग रहा था। इसके पास बाउल, इसके साथ स्मॉल बाउल्स नहीं थे। अब जैसे ये प्लेट्स हैं, ये मैं घर की आम रूटीन में जो यूज़ करने के लिए लाई हूँ। मैं कंपैरिजन नहीं कर रही अलफता का और इसका, मुझे दोनों बहुत अच्छे लगते हैं। बताने का ये है कि इधर यहाँ पे आम जैसे रूटीन की जो डेली रूटीन की चीज़ें ना, वो भी आपको मिल जाती हैं। तो ये तो मैंने ऑनलाइन देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। मेरा जो मैंने डिनर सेट लगाया है, मैं दो, एक तो वैसे बहुत ज़्यादा उसकी मर्ज़ से ही प्लेट्स टूट गई थी, तो फिर मैं ब्लू कलर की सिक्स प्लेट्स वैसे लेकर आई। जो मेरा दूसरा डिनर सेट मैंने ब्लैक और वाइट लगाया, जैसे रूटीन में, आम रूटीन में होता है, सम टाइम कोई अचानक से आ गया, तो डिनर सेट्स मेरे सब नीचे पड़े हुए हैं, तो मुझे नहीं जाना हो पाता। तो आप होता है, आप जो लगा हुआ है तो आप उसी पर करते हैं, तो फिर उसकी वजह से ना गहरी प्लेट्स नहीं थी, तो मैं ये ले आई हूँ, ये मुझे अच्छी लगी थी। और ये देखिए, ये तो मुझे बहुत मज़े का, बेसिकली मैं ना लेने वैसे नहीं गई थी, जैसे होता ना आपको चीज़ देख आते हो, पुस्ते नहीं ले पाते। दो मैंने फेस वॉश लिए थे अपने, तो भी मैं दिखाती हूँ। ये जी मैंने ली थी क्रॉकरी में, ये चीज़ें ली थी, और दो मैंने स्ट्रेनर, मेरे स्ट्रेनर सभी जो उनसे आना राम हो गए थे। अच्छा, ये स्टाइल की मैंने पहली दफाई 225 या 250 का था, अच्छा इस पर प्राइस नहीं लिखी हुई, लेकिन ये देखे थे, दो मैंने लिए हैं। अच्छा, सब स्ट्रेनर्स की ना ये नेट जो सी है ना हो गई है, अक्सर पे वो पचाई की जो पत्ती है ना वो आ जाती है, और ये मैं 150 ऐसे कुछ थे। और फेस वॉश भी मैं दिखा ही देती हूँ, इतना ये चीज़ें दिखाई हैं तो वो भी दिखा देती हूँ। तो इसमें वो वाइट की वजह से ना, तो प्रॉब्लम वीडियो, ये मुझे अभी करते हुए वॉइस ओवर याद आया कि मुझसे किसी ने पूछा था, कहा था कि नेक्स्ट टाइम मैं कभी इम्तियाज जाऊँ तो वहाँ पे ज्वेलरी का और मेकअप का, आई थिंक उन्होंने कहा था कि वहाँ की मैं वीडियो ज़रूर करूँ। एक्चुअली मैं बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हो गए मैं अब हर तकरीबन स्टोर में। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया ना कि मैंने सोचा था कि नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगी, अच्छा भी नहीं लगता कि कोई आपको रोके, और फिर एक रूल है लाओ नहीं है तो फिर उस चीज़ को करना, मुझे वो पर्सनली नहीं था अच्छा लग रहा। सो मैंने इसलिए उस दिन इतनी क्लियर भी नहीं थी बनाई जो बना सकी थी, क्योंकि वो फ़ौरन मना कर देते हैं। तो पॉसिबल हुआ कभी मैं तो कभी कुछ दिखा दूँगी, लेकिन बिल्कुल अलाउ नहीं करते, वो फ़ौरन आपको मना कर देते हैं। तो इम्तियाज़ है और या ये जो है अलफतह हैं, हर जगह मना कर दिया हुआ है। आई डोंट नो कि क्या रीज़न है, क्यों है, क्या इसमें उनकी वो सेफ्टी कोई उसकी वजह से है उनकी, क्या है, मुझे इस चीज़ का बिल्कुल नहीं आइडिया। किसी को हो तो मुझे ज़रूर बताएं कि ये क्या है, या इंटरनेशनली भी ऐसा मना किया जाता है। आई डोंट थिंक सो कि इंटरनेशनली ये चीज़ के कोई रूल्स हैं कि आप स्टोर जाके वीडियोस नहीं बना सकते, क्योंकि मैं देखती हूँ अक्सर, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड माई लंडन लाइफ तहैया, उनके ब्लॉग्स में मैं देखती हूँ, वो इतने अच्छे बल्कि बहुत अच्छा डिस्क्राइब करती हैं वो तो एक एक चीज़ को बहुत सुकून के साथ। तो यहाँ तो वीडियो बनाना भी इतना मुश्किल है, आपको लोग ऐसे देख रहे होते हैं जैसे आप एलियंस हों, या आप किसी और, क्या बता वो
मूवी में था ना, किसी और गोले से आए हों, तो फिर कोई इतना आसान नहीं है वीडियो बनाना, बहुत मुश्किल से बनानी पड़ती है आपको, बहुत लोगों को देख के, कि मुझे खुद पर्सनली अच्छा नहीं लगता कि कोई बीच में आए, तो बिल्कुल नहीं अलाउ करते हर जगह जाएं। इवन अब मैंने आउटफिटर्स में लास्ट टाइम मैं गई हूँ तो वहाँ पे भी उन्होंने मना कर दिया। सो मैं एक्सक्यूज़ करूँगी कि मैं नहीं कर सकी अगर, तो बस ये कि जो शॉपिंग करते हैं वो आपको घर आके दिखा दिया करेंगे, बाकी वहाँ पे क्या है क्या नहीं। तो मज़ा आता है मुझे खुद बहुत ऐसी वीडियोस देखने का, ऐसे व्लॉग्स देखने का, शॉपिंग का जिसमें हो वो चीज़ें, मुझे बहुत मज़ा आता है। आपको आइडियाज़ मिल जाते हैं, आपको भी पता चल जाता है वहाँ पे चीज़ है। अब एक सिटी में रहते हुए कई लोग देखते हैं तो उनको भी पता चल जाता है कि वहाँ फलां स्टोर में ये चीज़ है। सम टाइम हम लोग नहीं जा पाते, इतनी नहीं होती, तो अगर कोई पता है वहाँ पे मिल जाएगी तो इंसान इजीली फिर एक ही जगह पे जाके आपको सब कुछ मिलता है। जैसे इम्तियाज़ है, अल्फत है, यहाँ पे आपको ज़रूरत है ज़िंदगी की हर चीज़ मिल जाएगी। वेजिटेबल भी शोर अगर आ रहा, अगर बाहर में हमें कोई बताया ना कंस्ट्रक्शन के काम हो रहा है तो आई थिंक ट्रॉलीज़ वगैरह इस टाइम आती हैं अक्सर, तो आपको हर ज़रूरत ज़िंदगी मिल जाती है। आपको फ्रूट्स वेजिटेबल्स हर चीज़ ज़रूरी घर के लिए जो चाहिए, आपको गिफ्ट्स के लिए चाहिए, जैसे देखें सम टाइम हमें रीज़नेबल प्राइस में गिफ्ट चाहिए तो उसके लिए मैं बहुत प्रेफर करूँगी इम्तियाज़ को। कि जैसे ये है, मैं जैसे पसंद करती हूँ किसी को क्रॉकरी का गिफ्ट करना, उनके वो यूज़ में आ जाता है। कपड़े किसी को पसंद आते हैं नहीं आते, कुछ मैं कुछ ऐसे से मैंने बिल्कुल बंद कर दिया हुआ है। किसी का नया घर बन रहा है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं क्रॉकरी में ही कुछ लेके जाऊं। और वैसे भी मेरा ख्याल है हर हर जो हाउस वाइफ है उसको शौक होगा, और जिसको शौक नहीं है वो मुझे नहीं पता वो कैसे हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ हैं या वर्किंग लेडीज़ हैं जो घर शादीशुदा खातून है ना, तो उनको तो शौक होता है घर की चीज़ों का, और मुझे खुद बहुत शौक है शायद इसलिए मुझे लगता है। लेकिन मैं मानती हूँ जिस औरत को इन चीज़ों का शौक़ नहीं है ना, वो फिर क्या उनकी लाइफ होगी जिनको शौक ना हो। कि मैं कुछ लोगों को सुनती हूँ, वो कहते हैं कि हम जो अच्छे बर्तन है वो रूटीन में नहीं यूज़ करते। भाई क्यों नहीं यूज़ करते, ज़िंदगी आपको एक दफ़ा मिलती है, अगर आप वो चीज़ यूज़ नहीं करेंगे तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का ना। दुनिया की चीज़ है, दुनिया हमें रह जानी है, तो इंसानों की परवाह करनी चाहिए, चीज़ों की परवाह नहीं करनी चाहिए। लेकिन अफसोस हम जो उनसे ना इंसानों से ज़्यादा ना चीज़ों की कदर करते हैं। चीज़ें जो उनसी हैं वो मुझे नहीं याद कभी मैंने अपनी किसी मेड को अगर उसने जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि अगर कोई जानबूझ के आपकी चीज़ को नुकसान करे तो वो गलत बात है। अगर कोई अनजाने में जैसे टूट जाता है बर्तन, मुझे नहीं याद मैंने कभी किसी मेड को डांटा है या कहा है। मैं गेयर के लिए करूँगी, जिसे जिससे कोई नीव मैं रखती हूँ, तो जैसे मेरे डेकोरेशंस हैं मैंने कहूँगी एहतियात से करना, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह करती भी है। लेकिन अगर टूट जाए कभी आपको आपके मेरी अपनी डिनर सेट बिल्कुल चीज़ों की नहीं इंसानों की परवाह। मोबाइल की बिल्कुल मैं भी इतनी ज़्यादा फुल हो गई है कि बन गई, मुझे करना पड़ेगा। इसमें बच्चों की मनाल निमाल जितने की वीडियोज़ हैं तो बच्चों के वीडियोस को तो मैं बिल्कुल भी ना मीट नहीं करती, तो वैसे मैं कर देती हूँ। एक मैंने ये लिया था, मैं यूज़ कर ये दोनों मैंने यूज़ किए हैं और दोनों ही मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मेरी ऑयली स्किन है तो ऑयली स्किन के लिए बहुत बेस्ट लगते हैं मुझे। हाँ पता नहीं अब इसमें कैसा नज़र आ रहा है आपको कैसा नहीं, क्योंकि इस रिज़ल्ट बस ऐसे ही है। तो चलें बस जी, यहीं तक थी मेरी वीडियो। अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब। मेरे चैनल अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।